शरण शब्द के दो अर्थ हैं कोश के अनुसार। शरणम गृह रक्षित्रो, दो अर्थ हैं शरण शब्द के, एक अर्थ है घर और दूसरा अर्थ है रक्षक। इसका अर्थ है कि सारे जीवों का घर भगवान ही है। घर का अर्थ है आश्रय, समस्त जीवों का परम परम आश्रय भगवान ही है और समस्त जीवों के रक्षक भी भगवान है। ये शरण शब्द का अर्थ है। प्रसंगांतर होगा लेकिन इसके अनुकूल बात है इसलिए हम कह रहे हैं। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद है। उस यक्ष युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर से यक्ष ने एक प्रश्न पूछा है, कह मोदते। क्या प्रश्न पूछा? कह मोदते, कौन प्रसन्न रहता है? तो युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं। श्लोक सुनिए महाभारत का। पंचमे हनि षष्ठे वा शाकं पचति स्वे गृहे अन्नरणी अप्रवासी च सवारि चरमोदते। बहुत प्यारा श्लोक है। यक्ष पूछते हैं, यक्ष पूछ रहा है युधिष्ठिर से कि कौन प्रसन्न रहता है। युधिष्ठिर कहते हैं जो व्यक्ति दिन के पांचवें या छठे भाग में बिना नमक की साग भाजी मिट्टी के बर्तन में उबाल के खा लेता है। इसका मतलब बहुत गरीब है, कुछ खाने को है ही नहीं, जंगल से साग पत्ती ले आता है और उसी को मिट्टी की हंडी में उबाल के खा लेता, नमक भी नहीं है उसके पास। बस इतनी सी बात है कि वो प्रवास में नहीं है, यात्रा में नहीं है, अपने घर में है और किसी का कर्जदार नहीं है, अंदरणी है, किसी का कर्जदार नहीं, तो सुखी है। भले ही उसको दिन के पांचवें या छठे भाग में भोजन के नाम पर अलोनिया भाजी खाने को मिलती हो पर किसी का कर्जदार नहीं है और प्रवास में नहीं है, अपने घर में है, वो व्यक्ति सुखी रहता है। सामान्य अर्थ तो यही है पर अब इसका विशेषार्थ क्या है? आप संसार में स्वामी जी देखेंगे तो इस प्रकार के व्यक्ति भी दुखी मिल जाएंगे। कर्जदार तो नहीं है किसी के, अपने घर में है पर वो दुखी है दूसरों की समृद्धि देखकर। अरे हम गरीबी में रह गए, हम झोपड़ी में रह गए, हमारे बगल वाले ने पच मंजिला बना लिया, हम तो झोपड़ी के झोपड़ी, वो इस दुख से दुखी है। प्रवास में नहीं है पर दूसरों के सुख को देखकर दुखी है। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों को सुखी देखकर दुखी है। तो संसार में इस प्रकार से जीवित रहने वाले व्यक्ति भी दुखी मिलेंगे। तब युधिष्ठिर के कहने का अर्थ क्या है? न युधिष्ठिर का सामान्य प्रश्न है और न युधिष्ठिर का सामान्य उत्तर है। तो इसका विशेषार्थ स्वामी जी ये है कि यहां गरीब अमीर की बात नहीं कही जा रही है। युधिष्ठिर कह रहे हैं भगवान का शरणागत भक्त ही सुखी रहता है, ये कह रहे हैं। आप कहेंगे दूर दूर तक कहीं शरणागति की तो यहाँ बात ही नहीं है, आप कहाँ से अर्थ खींच के ला रहे हो? हम खींच के नहीं ला रहे हैं। अनृणी और अप्रवासी, क्या? अनृणी और अप्रवासी। अनृणी शब्द पहले समझें, अनृणी माने जो कर्जदार नहीं है। तीन ऋण संसार के सभी प्राणियों के ऊपर जन्म से ही है, सभी मनुष्यों के ऊपर, देवऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये तीन प्रकार के ऋण सब पर हैं, सब पर कर्ज हैं, जन्म से ही ये तीन ऋण हैं। इन तीन ऋणों की मुक्ति के लिए ही हम धर्माचरण करते हैं, यज्ञादि करके, श्रौत स्मार्त यज्ञ करके हम देवऋण से मुक्ति प्राप्त करते हैं।
धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करके हम ऋषि ऋण से मुक्ति करते हैं धर्माचरण करके, और पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करके, और शास्त्रीय पद्धति से अपने वर्ण की स्त्री में और शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप संतान की उत्पत्ति करके, जिससे पिंडदान जलदान की परंपरा चलती रहे, तो उससे पितृ ऋण से मुक्ति होती है। ये बात है कि नहीं? देवऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने। जीवन भर यज्ञ करने वाले, देवताओं का यजन करने वाले, श्राद्धादि के द्वारा पितरों का यजन करने वाले और धर्माचरण करने वाले यदि भगवत शरणागत भक्त नहीं है, तो इस अपने धर्माचरण के प्रभाव से देवान यान्ति देवेज्या, देवलोक तक जाएंगे। अब पितरों के विशेष भक्त हैं तो पितरों को प्राप्त होंगे, और यान्ति मद याजनोपि माम, और यदि अनन्य भाव से भगवान का यजन कर रहे हैं तो भगवान को प्राप्त होंगे, तो उनको ज्यादा से ज्यादा देवलोक तक जाना पड़ेगा। अब देखिए, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला नहुष अजगर बन गया, असंख्यों गायों का दान करने वाला नृग गिरगिट बन गया, कहां ऋण मुक्त हुआ? तो इसका उत्तर 11वें स्कंध में भगवान ने दिया है इसका उत्तर। हाँ हाँ, क्या बढ़िया श्लोक है, लिखने लायक श्लोक है, नवयुग ईश्वर संवाद का श्लोक। देवर्षि भूता तृणाम पितृणाम न किं करो नाय मणि चराजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। नवयोगीश्वर कह रहे हैं निमि महाराज से कि जो कर्तापने का अहंकार छोड़कर सर्वतो भावेन भगवान मुकुंद की शरण हो गया है, वो समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। न किसी देवता का कर्जदार है, न किसी पितर का कर्जदार है, न किसी ऋषि का कर्जदार है, वो मुक्त हो जाएगा, भगवान की शरण हो जाए। तो अनर्णिक, इसका मतलब यह मत समझना कि हम यज्ञ का निषेध कर रहे हैं, तर्पण श्राद्ध, हम तो बहुत इसका प्रबल पक्ष लेते हैं, ये सब करो, पर इसके साथ भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान की भक्ति करो, भगवान के नाम का जप करो। शास्त्रीय कर्म, विहित कर्म, वो तो करने ही चाहिए, अकरणे प्रतिवाया, नहीं करोगे तो दोष लगेगा, करो, लेकिन कर्म के सहारे संसार से पार नहीं उतरोगे, भगवान की शरणागति के सहारे भव सागर से पार लगोगे, ये बात भीतर से पक्की रखना। तो भगवान की शरणागति से ही अनऋणी होगा, कर्जों से मुक्त होगा। और अप्रवासी का अर्थ क्या है? हम सब प्रवास में हैं, यात्रा में हैं। चले कहां से? ठाकुर जी के पास से चले, और 84 लाख नगरों की कितनी बार यात्रा कर चुके हैं, किसी के पास सूची है? और कब तक ये 84 लाख नगरों में घूमना पड़ेगा, किसी के पास कोई इसका प्रमाण है कि अब खत्म हो गया घूमना? ये भी नहीं है, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो सब जीव प्रवास में हैं, और जब तक ये प्रवास चल रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये प्रवास जब तक चल रहा है तब तक सुखी नहीं। इसलिए जिन भगवान के चरणों से विमुख होकर के ये भटके हैं, उन भगवान के चरणों की शरण में पहुंचेंगे तो भगवान का घर, भगवान की शरणागति, भगवान के चरण कमल, यही हमारा घर है। और उस घर में पहुंचने के बाद मोदते, कैसे मोदते? बोले सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एकौ बाधा। सुखी मीन
एक प्रवासी। इसलिए तब तक जीव सुखी होने वाला नहीं है जब तक भगवान की शरण ग्रहण न करे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।